गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में समुच्चय के फंडामेंटल्स एवं उनके प्रकार के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किया है। आज हम समुच्चय पर प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो पहला क्वेश्चन देखो, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो इसका आंसर जो है, आंसर पहले का, तो जैसे प्रारंभ होने वाले कौन कौन से महीने होंगे, जनवरी, जून और जुलाई। तो यह समुच्चय जो है पूरी तरह से वेल परिभाषित है, वेल डिफाइंड है, इसलिए है समुच्चय है। इसका आंसर क्या होगा, समुच्चय है। कारण क्या है, सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। दूसरा देखिए, भारत के दस सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो हम देखते हैं कि 10 जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली लेखक हैं, इसको हम निश्चित तौर पर परिभाषित नहीं कर सकते कि कौन सा लेखक जो है सबसे प्रतिभाशाली है, यह डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। दूसरा क्या हो जाएगा, समुच्चय नहीं है, क्योंकि हमको स्पष्ट रूप से परिभाषित करना मुश्किल है। तीसरा देखो, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। आज हम किसको सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं, यह डिफाइन करना मुश्किल है। जब हम किसी चीज को डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो उसका समुच्चय बनाना संभव नहीं है, तो यह तीसरा जो है समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। चौथा देखिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा में 40-50 जितने बच्चे हैं उनका नाम लिख करके उनका समुच्चय बना सकते हैं, तो इसको परिभाषित करने में कोई दिक्कत नहीं और ये पूरी तरह से परिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। समुच्चय है, ठीक है। तो आपको इसी तरह से सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, जिस तरह से हमने अभी 1-2 क्वेश्चन करके दिखाए हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमको यहां सभी देखेंगे, हमको ये दो चिन्ह इस खाली स्थान में भरना है, अवयव है या अवयव नहीं है। यह चिन्ह किस चीज का है, अवयव है, और यह वाला जो चिन्ह है वो किस चीज का है, अवयव नहीं है। तो इनमें से पहला देखो, 5A का अवयव है, तो हम जो देखते 5A में दिख रहा है, तो 5A का अवयव है, इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा, 5 अवयव है ए का। दूसरा देखो, 8 अवयव है ए का, तो 8 आपको इसमें ए में कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, 8 अवयव नहीं है ए का। तीसरा देखो, 0 अवयव है ए का, तो चूंकि 0 ए में नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा, अवयव नहीं है ए का। इसी प्रकार आपको सारे देखना है, मैंने 3 किए, 3 आप खुद करेंगे, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित समस्याओं को रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप क्या होता है, इसको सारणीबद्ध रूप कहते हैं। तो यहां बच्चे 1-2 क्वेश्चन का आंसर देखें कैसे करना है। ए,
ए में किस तरह के अवयव हैं? एक्स एक पूर्णांक है और उसका मान ऋण तीन और सात के बीच में है, ऋण तीन से बड़ा। ऋण तीन से बड़ा क्या होगा पूर्णांक? ऋण दो, ऋण एक, जीरो। एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। सात से छोटा लेना है तो ये सारणीबद्ध रूप हो जाएगा, इसको हम रोस्टर रूप कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे में क्या पूछा है कि एक्स संख्या छह से कम प्राकृतिक संख्या है बी। तो छह से कम प्राकृतिक संख्या लिख दीजिए आप, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है, जे इसका आंसर हो गया। अब हम तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या पूछा है, सी एक समुच्चय है जिसमें दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल आठ हो। तो दो अंकों की संख्या लेके चलना है, तो कैसा लेके चलोगे? 80, 80 के दोनों अंकों का योग करेंगे तो आठ आएगा। फिर हम देखते हैं 71, 71 सात और एक को जोड़ेंगे आठ आ गया। फिर हम देखते हैं 62, 62 में छह और दो को योग करते हैं तो हमको आठ मिलता है। फिर हम लेके चलते हैं 53, तो पांच और तीन का योग कितना होता है? आठ, तो यह भी आएगा। इसके बाद आएगा 44, चार और चार का योग कितना होता है? आठ होता है। फिर इसके बाद आएगा 35, तो 35 में भी तीन अंक, तीन और पांच का डिजिट का योग आठ आता है। फिर इसके बाद आता है 26, दो और छह का योग आठ आता है। इसके बाद आएगा 17, एक और सात का योग आठ आता है, ठीक है। और 08 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो एक डिजिट की संख्या हो जाएगी। तो इन संख्याओं में उनके डिजिट का योग आठ के बराबर है, इन संख्याओं का समुच्चय सी होगा। तो हमने आपको तीन क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं, आपको बाकी क्वेश्चन आपको घर में करना है और हमको चेक कराएंगे। अब हमको अगला क्वेश्चन देखो, इसमें हमको समुच्चय का निर्माण रूप बनाना है, तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। पहला, इसमें समुच्चय बनाना है 3, 6, 9, 12। तो हम इसको ऐसा बनाएंगे कि x, x का मान, x एक पूर्णांक है, या ऐसा कर लीजिए 3x कर लीजिए क्योंकि इसमें तीन का गुणनफल है, और x का मान जो है एक और चार के बीच में ले लीजिए। एक से शुरू करेंगे तो देखो x का मान एक रखा तो तीन एक तीन, तीन एकम तीन, दो रखने पर छह आएगा, तीन रखने पर नौ आएगा और चार रखने पर बारह आएगा। तो x का मान एक से चार के बीच में लेके चलते हैं और उसका तीन का गुणा करने पर, तीन का मल्टीपल लेने पर हमको समुच्चय प्राप्त हो जाता है। दूसरा देखिए, दूसरा समुच्चय कैसा दिया है हमको, 2, 4, 8, 16, 32। थोड़ा सा इसको हम और सरल कर देते हैं, 2 मतलब 2 की घात 1, 4 मतलब 2 की घात 2, 8 मतलब 2 की घात 3 और 16 यानी 2 की घात 4 और 32 2 की घात 5। इसको हम निर्माण रूप कैसे बनाएंगे, 2 की घात x, x एक पूर्णांक है जिसका मान 1 से 5 के बीच में है। तो इस तरह से हम निर्माण रूप समुच्चय बना सकते हैं। तो हमने दो क्वेश्चन करके दिखा दिए, इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चन आप करेंगे और हमको चेक कराएंगे। अब हमको इनको समुच्चय में हमको सारणीबद्ध रूप से
परिवर्तित करके दिखाना है, तो इसको आप लोग बच्चे करके एक दो क्वेश्चन करके देखिए। ए, इसमें किस तरह के अवयव है? एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होंगी? एक, तीन, पांच, सात, नौ, और ये अनंत तक रहती है, तो डेड डेस लगा दीजिए, मुझे इसका आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं, बी का मान, बी में इस तरह के अवयव है कि एक्स एक पूर्णांक है और इसका मान ऋण 1/2 से 9/2 के बीच में हो, तो बी में कौन कौन से अवयव आएंगे? तो यहां देखिए एक लाइन खींच लिए, संख्या रेखा, यहाँ 0 है और यहाँ ऋण 1/2 है, और 9 यानी कितना होता है ये आएगा 9, 9 यानी होता है 4 1/2, तो 4 1/2 के पहले पूर्णांक संख्या कितनी होगी? 4, ठीक है, और इसके बाद पूर्णांक संख्या क्या आएगी आपकी? 1, तो -1/2 से बड़ी पूर्णांक संख्या, और चूंकि ये सेकंड नंबर में पूर्णांक संख्या है तो 0 भी आएगा, तो आप इसको क्या करेंगे, 0 से 0, 1, 2, 3 और 4, ये पूर्णांक संख्या है, ये पूर्णांक संख्या है, ऋण 1/2 से बड़ी है और 9/2 से छोटी है, तो इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चंस को हल करना है। अब हमको एक क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको जोड़ी बनाना है, तो आपको सही इसका आंसर में आपको जोड़ी बताना है कि किसका किसके साथ सही मैच कर रहा है। तो जैसे पहला क्वेश्चन देखो, 1 2 3 6, तो 1 2 3 6 जो है इसका आंसर पहला, तो आप इसमें देखेंगे कि सी में देखो एक प्राकृतिक संख्या है और जो 6 का भाजक है, तो हम देखते हैं कि 1 2 3 6 6 के भाजक हैं, इसका सही आंसर क्या है? सी, तो पहले का आंसर सी हो गया, ये आपका ओके हो गया। अब हम देखते हैं, दूसरा एक अभाज्य संख्या, 2 और 3, 2 और 3 एक अभाज्य संख्या है और 6 के भाजक है, तो अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 और 3, और वो 6 के भाजक है, तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, तो दूसरा भी हो गया आपका फिनिश। अब मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इसमें जो वर्ड्स लिखे वो हमको दिखते मैथमेटिक्स के अक्षर है, तो तीसरा जो है इसका, तीसरे का आंसर क्या हो गया? डी, और चौथे में आपको कुछ नहीं करना है, जो शेष बचा है वो उसकी जोड़ी होगी, आपको उसको जरूरत नहीं ज्यादा सोचने का, तो चौथे का क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ है वो बी आंसर हो जाएगा, तो इस तरह से आपको मैचिंग करके सही आंसर से इसकी जोड़ी बनाना थी। ओके, तो बच्चों को समझ में आ गया, इसको इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन करके दिखाना है। थैंक यू।